हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पांस। इसका पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में, अब पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो पार्ट टू में देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी दो होम रूल लीग निकल के आती है। तो जो दो होम रूल लीग निकल के आई उसकी अपनी एक हिस्ट्री है कि किस फैक्टर के तहत वो दोनों निकल के आई, उनको पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का एक सेशन होता है 1914 में। अब इस सेशन में क्या डिस्कशन होता है कि इस सेशन में एनी बेसन और बाल गंगाधर तिलक ये पूरी कोशिश करते हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वापस से एकजुट हो जाए। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एकजुट करने की जो कोशिश होती है वो फेल कर जाती है 1914 के सेशन में। लेकिन फिर 1915 में एनी बेसन जो है वो ट्राई करती है कि सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया है उसको मासन से पहुंचाया जाए। इसके लिए वो पब्लिक मीटिंग का सहारा लेती है, कॉन्फ्रेंस का सहारा लेती है और न्यूज़पेपर्स का सहारा लेती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, उन दोनों न्यूज़पेपर का नाम याद कर लीजिए जिसके सहारे से वो सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को प्रोपगेट करती है। तो उन दोनों न्यूज़पेपर का नाम है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तो ये दोनों ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिनके सहारे से एनी बेसन जो है वो अपने आइडिया को प्रोपगेट करती है। फिर 1915 का सेशन होता है, एक साल बाद 1914 के एक साल बाद 1915 में एक सेशन होता है कांग्रेस का। इस सेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि अब एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में एडमिट कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। देखिए गौर फरमाइएगा, डिसाइड किया जाता है, एडमिट नहीं किया गया, सिर्फ डिसाइड किया है कि एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में ले लेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में रियली में कब लिया जाता है वो 1916 के लखनऊ सेशन में लेते हैं। 1916 के 1915 के सेशन में सिर्फ डिसीजन हुआ है, ठीक है। और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग का प्रोग्राम था कि होम रूल लीग हमें चलाना चाहिए, उसको अप्रूव नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कहा अब हम कांग्रेस को लोकल लेवल पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन होम रूल लीग को हम सपोर्ट नहीं करते, जो कि एनी बेसेंट की है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे कि हम होम रूल लीग मूवमेंट चलाएं, पर जिस तरीके से एनी बेसेंट चलाती है उस तरीके से नहीं, क्योंकि उनका मानना था जो आयरलैंड में सेल्फ गवर्नमेंट आई है वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसलिए बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे कि हम अपना सेल्फ गवर्नमेंट का एक मुहिम शुरू करें। तो दोनों के लिए अलग अलग था। हम लोग उन दोनों लीग को डिस्कस करेंगे जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट सेपरेटली शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो एनी बेसेंट ने सबसे पहला लीग जो है एनी बेसेंट के थ्रू जो बनाया हुआ है जिसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग एनी बेसेंट ने बनाया था सबसे पहला। वो कब बनाया? सितंबर 1916 में। कहां बनाया? मद्रास में। ये सब चीजें याद रखने वाली हैं, पूछी जाती हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सितंबर 1916 में मद्रास में, ठीक है। अब ये ऑल इंडिया होम रूल लीग की ज्यूरिस्डिक्शन यानी कि एरिया कहां कहां था, कहां कहां ये काम करता था, तो ये पूरे इंडिया में काम करता था सिवाय उन जगहों को छोड़ करके जहां जहां पर तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट चलता था, ठीक है। फिर इसकी 200 ब्रांच थी। जाहिर सी बात है जब ऑल ओवर इंडिया काम करेगा तो ज्यादा ब्रांचेस तो होंगी, तो 200 ब्रांच थी। और क्योंकि इसकी ब्रांचेस ज्यादा थी तो इसका ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा लूज था, इट वॉज लूजली ऑर्गेनाइज, ठीक है। फिर इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इसके जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उनका नाम था जॉर्ज एरंडेल। जॉर्ज एरंडेल जो है उनकी आप फोटो यहां देख सकते हैं, ये जॉर्ज एरंडेल थे जिन्होंने एनी बेसेंट की मदद की थी कि वो ऑल इंडिया होम रूल लीग को एस्टेब्लिश करें। फिर इसके कुछ मेन मेंबर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग को, जैसे कि बीडब्ल्यू वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर की आप फोटो यहाँ देख सकते हैं, ये ऐसे दिखते थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि तिलक ने किस तरीके का होम रूल लीग मूवमेंट बनाया। तो तिलक की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था इंडियन होम रूल लीग। तो इंडियन होम रूल लीग इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1916 में, और वो भी कब? अप्रैल में, ठीक है। ये याद रखिएगा 1916 में होती है, ये पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना किसने की? बाय बाल गंगाधर तिलक। इसकी पहली मीटिंग कहाँ होती है? इसकी पहली मीटिंग बेलगांव में होती है, आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में यहाँ पे। फिर हेडक्वार्टर ऑल इंडियन होम रूल लीग का कहाँ था? ये था पूना में। पूना को भी आप मैप में जहां देख सकते हैं। फिर इसका काम कहाँ कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था, ऐसा काम कहां कहां तक होता था? तो वो था महाराष्ट्र में, सेंट्रल प्रोविंस में और बेरार में। इन तीनों जगहों को छोड़ करके बाकी जो इंडिया में जगह बची वो सब एनी बेसेंट के अंडर आती थी, ठीक है। और इनके 6 ही ब्रांच थे,
जो कि एनी बेसेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि हमने देखा कि एनी बेसेंट के 200 ब्रांच हैं और तिलक सिर्फ 6 ही ब्रांच चलाते थे। ठीक है, इनकी कुछ डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये जो डिमांड्स है ये पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिएगा, पहली डिमांड थी इनकी सेल्फ गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वराज मिले भारतवासियों को। दूसरी डिमांड क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब क्या होता है, भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना करना और राज्यों को ऑर्गेनाइज करके बनाना। मतलब कि जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है तो उसके लिए एक स्टेट बना दिया तमिलनाडु, बंगाली जहां बोली जाती है उसके लिए बना दिया बंगाल। ठीक है, तो जैसे ऐसे ऐसे जो स्टेट्स हैं उनके आधार पर, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर स्टेट बनाए जाए। ठीक है, और एडुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज से क्या मतलब है कि भाई जो जहां पे रह रहा है उसकी एक लोकल लैंग्वेज होगी, कोई जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश समझ पाए या फिर हिंदी समझ पाए। ठीक है, वो अपनी भाषा समझ जाएगा तो उसको जो शिक्षा दी जाए वो उसी की भाषा में दिया जाए, ना कि किसी और भाषा में, तो वो होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज, और उसी में एडुकेशन हो, ये भी इनकी डिमांड थी। तो इनकी तीन डिमांड थी, सेल्फ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट और एडुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, जबकि एनिवेशन की सिर्फ एक डिमांड थी, वो थी सेल्फ गवर्नमेंट ऑन आयरिश लैंड। अब बाकी देखते हैं, तो होम रूल लीग मूवमेंट था, इसको किस तरीके से प्रोपोगेट किया जाता था, इसका प्रोग्राम क्या था, चर्चा और विचार को फैलाने का इसका तरीका कैसा था, कैसे ये काम करता था। तो होम रूल लीग प्रोग्राम में बेसिकली क्या था कि वो लोग पॉलिटिकल एजुकेशन देते थे, किसको देते थे, मासेस को, जो आम जनता है उसको बताते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसके आने से भारत में क्या क्या फायदे हैं भारत के वासियों को, तो ये सब बताते थे। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, इन लीडर्स के नाम याद कर लीजिएगा जो कि होम रूल लीग प्रोग्राम में जुड़े थे। कौन कौन थे ये, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन लोग की फोटो आप यहां देख सकते हैं, भूलाभाई देसाई, इनकी भी फोटो आप देख सकते हैं, चितरंजन दास, इनकी भी देख सकते हैं, के एम मुंशी, इनकी भी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन पिछलू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सपरू और लाला लाजपत राय, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अब सिर्फ इन्हीं लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ मॉडरेट्स भी थे जिन्होंने ज्वाइन किया। कौन से ऐसे मॉडरेट थे जो कि डिसइल्यूजनड थे बाय कांग्रेस इन एक्टिविटी। डिसइल्यूजनड बाय कांग्रेस इन एक्टिविटी से मतलब ये है कि कांग्रेस क्योंकि उस टाइम पे मॉडरेट से ज्यादा ऑक्यूपाइड था, उसमें मॉडरेट ज्यादा थे और मॉडरेट उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव थे नहीं, कोई पॉलिटिकल काम नहीं कर रहे थे, तो कांग्रेस की इनएक्टिविटी को देख करके जो कुछ मॉडरेट थे उसी के अंदर के, जो कि उससे आप खफा हो चुके थे कांग्रेस के तरीके से, वो उन्होंने क्या किया, वो होम रूल लीग एजिटेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब वो उससे हट करके ज्वाइन कर लेते हैं, और ये जो मॉडरेट थे ये बेसिकली कुछ मॉडरेट थे जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को बिलोंग करते थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाई हुई एक ग्रुप है, जिसका बेसिक मतलब ये था कि वो लोगों में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करे, ऐसा मकसद था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का। और इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ लोग होम रूल लीग एजुकेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पर जो पार्टिसिपेशन था वो कई लोगों ने नहीं भी किया, कुछ ग्रुप थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी किया। कौन कौन ऐसे ग्रुप थे, मुस्लिम थे, वही डिवाइडेड रूल पॉलिसी के चलते मुस्लिम का पार्टिसिपेशन इनको बहुत कम देखने मिलेगा, और एंग्लो इंडियंस थे जिन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, और नॉन ब्राह्मण थे साउथ के, साउथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ब्राह्मण नहीं थे, तो वो जो नॉन ब्राह्मण थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर सेल्फ गवर्नमेंट आती है तो जो मेजोरिटी है, कौन सी मेजोरिटी है, हिंदू का, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वही मेजोरिटी में है, तो वो लोग जो है वो लोग रूल करेंगे, क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट में उनको उसी का हिसाब का सीट मिलेगा, उतनी ही ज्यादा सीटें मिलेंगी उनको, जो कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी में है, तो इसलिए ये पार्टिसिपेशन नॉन ब्राह्मण्स के थ्रू, मुस्लिम्स और एंग्लो इंडियंस के थ्रू हमें ज्यादा देखने नहीं मिलता है, और एलिट बैकग्राउंड तक ज्यादा सीमित रह जाता है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब ये जो होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ था इसको लेकर के गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा था, तो जाहिर सी बात है जैसा कि हर मूवमेंट में होता है, गवर्नमेंट ने रिप्रेस करना चाहा, दबाना चाहा इस मूवमेंट को, और रिप्रेस किया स्टूडेंट्स को, वही सब चीजें, लाठी चार्ज देख सकते हैं आप। ठीक है, तिलक को मना कर दिया कि आप दिल्ली और पंजाब में आप एंट्री नहीं ले सकते, क्यों मना किया, ताकि वो अपना मूवमेंट वहां ना फैला पाए और अपने सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया वहां ना फैला पाए। ठीक है, फिर एनी पेशेंट को तो अरेस्ट ही कर लिया इन लोगों ने। अरेस्ट करने के रिस्पॉन्स में लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा,
नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमें देखने मिला, पूरा देश एकजुट होकर के इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। और उसके बाद सर एस सुब्रमण्य अय्यर, ये जो सर का टाइटल है, ये जो नाइटहुड की उपाधि उनको मिली हुई थी, टाइटल मिला हुआ था, उसको उन्होंने छोड़ दिया, ही रिनाउंस्ड इट। तो इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये किया। और तिलक ने जो है बात की कि हम अब पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो अब शुरू करेंगे, अब हम पैसिव रेजिस्टेंस शुरू करेंगे। तो इसके आउटकम में क्या हुआ, गवर्नमेंट को एक सेटबैक लेना पड़ा और गवर्नमेंट को एनी पेशेंट को रिलीज करना पड़ा। और एनी पेशेंट को जब रिलीज किया गया तो कब रिलीज किया गया, डेट याद रखिएगा, 1917 में रिलीज किया गया, सितंबर में, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसके ये जो होम रूल लीग मूवमेंट चला था, इसके डिक्लाइन के कॉसेस क्या क्या रहे, क्यों ये मूवमेंट खत्म होने लग गया, वो देखते हैं। तो हम जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से कहने का मतलब है कि तिलक अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एनी बेसेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, और वो जो दो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग गोल चाहते हैं। और इसी के साथ वो एनी बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है वो भी लूजली ऑर्गेनाइज थी, तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने नहीं मिलता है। उसी के साथ कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद और लड़ाइयां देखने मिलती है 1917 और 18 के बीच में। तो जहां वायलेंस हो जाता है वहां कोई मूवमेंट सक्सेसफुल तो हो नहीं सकता, ये चीज आती है। फिर टॉक ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, जब एनी पेशेंट को अरेस्ट किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा अब हम पैसिव रेजिस्टेंस शुरू करेंगे। और आपको तो पता ही है कि मॉडरेट्स को पैसिव रेजिस्टेंस से बहुत नफरत थी, और इसलिए मॉडरेट्स जो कि एक टाइप के नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इस मूवमेंट से अपने आप को दूरी रखना जरूरी समझा, ठीक है। फिर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आते हैं। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि मोंटेगू ने 1917 के अपने अगस्त के डिक्लेरेशन में बोला था कि अब हम सेल्फ गवर्नमेंट जैसा कोई रिफॉर्म लाने वाले हैं, अब हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सेल्फ गवर्निंग इंडियन नेशन के तौर पे आने वाली है। तो कोई रिफॉर्म लाने के चक्कर में, तो जब रिफॉर्म आ रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के, तो फिर होम रूल लीग को आगे बढ़ाना और होम रूल लीग के मूवमेंट को आगे बढ़ाना कोई मतलब ही नहीं रह जाता, जब गवर्नमेंट ने खुद ही बोल दिया कि हम रिफॉर्म लाने वाले हैं सेल्फ गवर्नमेंट पे, तो अब आप होम रूल लीग मूवमेंट कैसे चला पाओगे, क्योंकि अब तो फिर ये हो गया ना कि आने वाला है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचा। तो जुलाई 1918 में मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म लिया जाता है इसी को लेकर के। फिर तिलक जो है वो अब्रॉड में चले जाते हैं, क्योंकि वो लीगल केस के मामले में फंस जाते हैं। लीगल केस में क्या था कि उनको अब्रॉड में बोला जाता है कि तिलक ही जिम्मेदार है जितना भी हिंसा हो रहा है और जितनी भी एजिटेशनल पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया में, उन सभी के जिम्मेदार अकेले तिलक है। तो उनको उस केस में लड़ने के लिए अब्रॉड में जाना पड़ता है। फिर साथ ही में गांधी जी का इमरजेंस हमें देखने मिलेगा कि गांधी जी अब उभर के आते हैं, लोग परिचित हो जाते हैं जो काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया है, और उनकी जो आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस की वो लोगों को प्रभावित करती है, तो उसकी वजह से भी होम रूल लीग मूवमेंट डिक्लाइन करती है। साथ ही साथ 1920 में गांधी जो थे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग के, और ऑल इंडिया होम रूल लीग के प्रेसिडेंट जब बन जाते हैं गांधी जी तो उसका वो नाम चेंज कर देते हैं गांधी जी, और नाम रख देते हैं स्वराज सभा, ठीक है। बाद में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है वो कांग्रेस के साथ जाकर के मिल जाती है, उसमें मर्ज हो जाती है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव गेंस भी निकल के आए, जैसे कि एलिट क्लास जो था वो पहले मूवमेंट में शामिल हुआ करता था, मासेस भी आने लग गए, और जो स्थगित हो गया था नेशनल मूवमेंट वो भी जारी रहने लग गया। तो इस सबसे कुछ पॉजिटिव गेंस थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस चैनल को। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1916। थैंक यू वेरी मच।